इसमें आप देखोगे किस तरह से हम लोगों ने कलर के साथ प्ले किया है, लाइक सेज ग्रीन एक्रेलिक कलर है। एंड सो ये है लिविंग रूम। सो जैसे ये मंदिर ओपन करते हैं, सो दिस इज बेसिकली पॉकेट डोर, मॉडर्न स्टाइल है। सो मॉडर्न स्टाइल में जो हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, नाउ लास्ट जो फ्रेशनेस होता है, जो लिविंग रूम में जो पॉजिटिविटी चाहिए रहती, तो बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर वो पैसेज एरिया बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा है। मंदिर में भी आप देख सकते हो ये जो एजेस है वो हम लोग ने राउंड किए हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वी आर सो एक्साइटेड टू शेयर दिस प्रोजेक्ट विद यू गाइज, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने कुछ ऐसे डिटेल्स किए हैं जो डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी इंप्रूव करते हैं, वैसे ही एक एस्थेटिक इफेक्ट इसमें ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो दिस इज़ बेसिकली 2BHK इन रुस्तम जी अजियानो। यहाँ पे आपने देखा होगा हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे जब कारपेंट्री वर्क हम लोग ने उसमें दिखाया। इफ़ यू रिमेंबर अबाउट दैट वीडियो, सो उसमें फर्नीचर के कर्व्स थे या फिर मोस्टली जो फर्नीचर हम लोग ने यहाँ पे लिया है वो कर्व या फिर आप सॉफ्ट उसमें एजेस देख पाओगे। सो वैसे ही आज हम पूरे घर का फाइनल टूर करने वाले हैं, उसमें आप देखोगे किस तरह से हम लोगों ने कलर के साथ प्ले किया है या फिर जो भी यहाँ पे पैटर्न्स है, जो शेप्स है, जो भी पेंटिंग हम लोग ने किया है वो किस तरह से ब्लेंड किया है वो हम आज देखेंगे। सो यस, यहाँ पे जो स्टाइल है वो बेसिकली मॉडर्न स्टाइल है एंड जो थीम है वो पेस्टल्स हम लोग ने लिया था, लाइक पेस्टल टच, बेसिकली मॉडर्न स्टाइल विद अ टच ऑफ पेस्टल कलर। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है। सो अभी देखेंगे वो हम लोग ने किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्रेंस है, मेरे पीछे ही एंट्रेंस है। दिस इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ अ फॉयर एरिया जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ एंटायर शाफ्ट शटर, जिसको हम लोग ने जो येलो पेंट हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है टू डिफरेंशिएट द लिविंग रूम एंड द फॉयर एरिया, उसी पेंट को हम लोग ने इसके ऊपर भी अप्लाई किया टू गिव दैट कंटिन्यूटी टू द एंटायर स्पेस। उसी के साथ ऊपर देख सकते हो एक हैंगिंग है सिर्फ जो थोड़ा सा शेडो क्रिएट कर रहा है ऊपर, जस्ट टू ऐड एस्थेटिक, नथिंग एल्स। सो यस, दिस इज़ अ स्मॉल फायर एरिया। नाउ विल गो टू द किचन। सो यस, दिस इज किचन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कलर देख के आइडिया आया होगा आपको, जैसे कि मॉडर्न स्टाइल। अगेन अगर स्टाइल को रिकग्नाइज करने जाए तो जो कलर्स है यहाँ पे पेस्टल कलर्स हम लोग ने यूज़ किए, वैसे यहाँ पे सेज ग्रीन यूज़ किया है। नाउ ये जो काउंटर्स है वो ऑलरेडी बिल्डर ने प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे कोई भी सिविल वर्क नहीं हुआ है। सो जो भी है बेसिकली फर्नीचर वर्क है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हम लोग ने ये जो फिनिश है, ये जो शटर का फिनिश है वो ग्रीन एक्रेलिक है, लाइक सेज ग्रीन एक्रेलिक कलर है। एंड ऊपर लॉफ्ट में आप देख सकते हो दोनों भी लॉफ्ट कंप्लीट वाइट कलर में। सो यस, यहाँ पे 3 कलर कॉम्बिनेशन है, वाइट में लॉफ्ट है, देन ये जो सेज ग्रीन कलर का एक्रेलिक है वो हम लोग ने कंप्लीट अंडर काउंटर में यूज़ किया है। एंड ओवर इट स्टोरेज के ऊपर भी आप देख सकते हो, जैसे कि ये मेन काउंटर है, मेन काउंटर के जस्ट ऊपर सेज ग्रीन को यूज़ किया है। एंड वैसे ही जो थर्ड कलर कॉम्बिनेशन है, बेसिकली दिस इज़ वुडन लैमिनेट जो एंटायरली लिविंग रूम में यूज़ किया है, उसी को हम लोग ने किचन में भी इम्प्लीमेंट किया। नाउ आई विल क्विक एक्सप्लेन यू द एंटायर किचन। जैसे कि आप देख सकते हो ये पैरेलल किचन काउंटर है, दिस इज़ मेन काउंटर। अभी मेन काउंटर पे आप देख सकते हो एंटायरली ट्रॉलीज है। सो यहाँ पे हम लोग ने हैतीज का टैंडम बॉक्स यूज़ किया है, यू कैन सी द कंप्लीट टैंडम बॉक्स ट्रॉलीज विथ सॉफ्ट क्लोज लाइक दिस। सो ये जो 3 बेसिक ट्रॉलीज आते हैं वो, एंड दिस इज़ मिसलेनियस ट्रॉलीज, जो भी बड़ा सामान हो वो सब ये ट्रॉलीज में आ जाए और वो सामने से भी एक सिमेट्रिकल लुक दिखे। नाउ दिस इज़ सर्विस काउंटर। सो सर्विस काउंटर में आप देख सकते हो अगेन सब मिसलेनियस ट्रॉलीज है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टॉल यूनिट नहीं है। सो जो भी बेसिकली पैंट्री स्टोरेज है वो सब ये बड़े ट्रॉलीज में जाने वाला है। एंड ये एक पुल आउट है, दिस इज जो भी सिंक के
नीचे वाले शटर से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने वेंटिलेशन जाली यूज़ किया है ताकि वहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली हो सके। सो दिस इज़ वेंटिलेशन जाली। सो ये था अंडर काउंटर स्टोरेज। नाउ ओवर इट स्टोरेज में देखोगे सेंटर में ही चिमनी का प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम लोग ने साइड में स्टोरेज बनाया एंड उसी के ऊपर आप लॉफ्ट देख सकते हो। और वैसे ही जो सर्विस काउंटर है, सो बेसिकली यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर को हाइड करने के लिए स्टोरेज है। दिस इज़ फॉर जो भी क्रॉकरी रहेगा उसके लिए एंड ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर माइक्रोवेव। सो ये था किचन। अब हम देखने वाले हैं लिविंग रूम। सो किचन के बाद हम लोग देखने वाले हैं लिविंग रूम। सो लिविंग रूम में सबसे पहले जो फर्नीचर आता है वो ये यूनिट है। दिस इज़ बार यूनिट, जिसमें आप देख सकते हो नीचे कंप्लीट स्टोरेज है, बीच में हम लोगों ने ओपन स्पेस रखा है एंड यहाँ पे ये कंप्लीट डिस्प्ले यूनिट है। डिस्प्ले इन द सेंस बार कम डिस्प्ले यूनिट, जिसमें दिस डिटेल इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे साइड में सोफ़ा आने वाला है। सो दिस इज़ ओपन यूनिट, तो ये जो एजेस है उसको अवॉइड करना था, दैट इज़ वाई वी हैव क्रिएटेड दिस डिटेल ओवर हियर। उसी के वजह से आप देख सकते हो कंप्लीट जो एजेस है वो पूरा सॉफ्ट एजेस मिला है यहाँ पे। नाउ अगेन कम टू द स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल है। सो मॉडर्न स्टाइल में जो हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो शेप्स है वो हम लोग ने किस तरह से यूज़ किए, तो दिस इज़ बेसिकली शेप, जो आर्च पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड यस, ये कुछ अंदर से इस तरह से है। वहाँ पे एक छोटा सा स्पॉटलाइट जो कंप्लीट यूनिट है उसको हाईलाइट करे। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ ब्राउन फ्लूटेड ग्लास जो पूरे यूनिट का लुक एनहांस कर रहा है। नाउ दिस इज़ डाइनिंग एरिया। सो अभी ये जो लिविंग रूम का लेआउट है वो रेक्टेंगल है, तो आप देख सकते हो जैसे ही एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये डाइनिंग एरिया आ रहा है। यहाँ पे जो फर्नीचर है वो सब ऑन साइड बना है। सो फर्स्ट दिस बेंच विथ स्टोरेज, जिसके साथ जिसका डिटेल आप देख सकते हो, अगेन द राउंड एजेस। उसके बाद ये डाइनिंग टेबल और उसी के साथ दो चेयर। सो दिस इज़ बेसिकली डाइनिंग चेयर्स एंड बेंच का यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया था। एंड दिस ह्यूज एंटायर वॉल विद सटल मिनिमल पेंटिंग। सो यस, दिस जस्ट एनहांस द लुक ऑफ दिस डाइनिंग एरिया। सो यहाँ पे है ये टीवी यूनिट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पैनलिंग किया है। नाउ दिस पैनलिंग, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हाइट हम लोग ने नहीं लिया। सो बेसिकली ये 6 फीट का जो हाइट है उसी को हम लोग ने कंटिन्यू किया मंदिर के साथ भी, और उसके एजेस है जैसे कि स्टाइल में हम लोग ने शुरुआत में भी कहा था, जो पैटर्न है उसको हम लोग ने कंटिन्यू किया है। एंड यस, वी हैव यूज्ड द पेस्टल ब्लू कलर एंड जो वुडन का कॉम्बिनेशन है वो एंटायर लिविंग रूम में। सो आप देख सकते हो ये टीवी यूनिट इज़ लाइक लिटिल, इसमें थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल टच भी वहाँ पे लाना था, तो इसके लिए आप देख सकते हो इसका जो शटर्स है वो कुछ इस तरह से है। एंड जो बॉर्डर है, सो जस्ट स्मॉल डिटेल्स जिसको हम दिखा सकते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल मॉडर्न यूनिट बन सके। उसी के साथ ये कंप्लीट मंदिर यूनिट है। मंदिर में भी आप देख सकते हो ये जो एजेस है वो हम लोग ने राउंड किए हैं ताकि वो कंटिन्यूटी पूरे लिविंग रूम में कंटिन्यू कर सके। उसी के साथ जैसे वो डिस्प्ले यूनिट का शटर था वैसे ही यहाँ पे आर्च शटर है। सो जैसे ये मंदिर ओपन करते हैं, सो दिस इज़ बेसिकली पॉकेट डोर, ये कुछ इस तरह से अंदर जाएगा एंड यू कैन सी द मंदिर इनसाइड। सो नाउ लास्ट जो वीडियो था इस प्रोजेक्ट का, तो उसमें हम लोग ने ये डिटेल दिखाया था। सो तब मैंने कहा था एक स्टोरी है इसके पीछे, तो स्टोरी इज़ लाइक, सो बेसिकली क्लाइंट वांट सम चाइनीज़ एलिमेंट, चाइनीज़ इंस्पिरेशन हम लोग किस तरह से इस प्रोजेक्ट में ले। सो बेसिकली उसी का एक रेप्लिकेशन है ये मंदिर यूनिट में। जैसे कि आपने देखा होगा रेफरेंस इमेजेस में, अभी आप देख सकते हो जो चाइनीज़ टेम्पल्स रहते हैं उनका जो रूफ़ है,
सो उसी रूप को हम लोग ने यहाँ पे इंस्पिरेशन दिया है एंड बट ऑब्वियस वो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो उसको परफेक्ट जस्टिफाई कर रहा है. सो यस, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट पैटर्न. एंड उसके बाद ये तो नॉर्मल ट्रे और उसके साथ जो भी ड्रॉवर, जो भी मंदिर का एसेंशियल है वो इस सब में प्रॉपरली फिट हो सके. सो यस, दिस मंदिर एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट दिस सिटिंग. दिस इज सोफ़ा लाइक सीटिंग एरिया जिसमें आप देख सकते हो ये 3-सीटर सोफ़ा है. पीछे एक पेस्टल लाइलैक कलर का हम लोग ने यूज़ किया है जिसमें अगेन वो आज जैसे टीवी यूनिट में वन साइड कॉर्नर था वैसे यहाँ पे भी वन साइड जो है वो उसको सॉफ्ट एज किया. एंड यस, दिस सोफ़ा, दिस कलर कॉम्बिनेशन, जस्ट जो फ्रेशनेस होता है वो जो लिविंग रूम में जो पॉजिटिविटी चाहिए रहती है तो वो ये कॉम्बिनेशन फुलफिल कर रहा है. एंड उसके सामने ये सेंटर टेबल, सो दिस सेंटर टेबल में भी बेसिकली ये साइड पे हम लोग ने बनाया. सो हियर यू कैन सी ये कुछ इस तरह से नीचे ड्रॉवर्स हैं और नीचे शेल्फ हैं. तो दिस इज़ अबाउट लिविंग रूम. वैसे ही आप देखेंगे पैसेज एरिया. सो पैसेज में आप देख सकते हो ऊपर जो कर्व है, अगेन टू ऐड दैट डिज़ाइन एलिमेंट जो कर्वीनेस है वो यहाँ पे ऐड करना था. एंड बट ऑब्वियस दिस पेस्टल येलो कलर जो जैसे ही एंटर करते हैं तो वो पैसेज में जो येलो कलर है वही हम लोग ने सेम पेस्टल येलो यहाँ पे भी यूज़ किया है. सो यहाँ पे बेसिकली पीछे जस्ट मेरे पीछे मास्टर बेडरूम है, दिस इज़ गेस्ट बेडरूम एंड दिस इज़ वॉशरूम डोर. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कलर वो पैसेज एरिया बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा है. सो यस, नेक्स्ट मूव ऑन टू द गेस्ट बेडरूम. सो यस, दिस इज गेस्ट बेडरूम. सो गेस्ट बेडरूम में आप देखोगे यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है ये. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैरमल कलर है एंड सॉफ्ट ग्रे यहाँ पे यूज़ किया है. सो अगेन स्टाइल को अगर यहाँ पे कनेक्ट करें तो यहाँ पे शेप्स जो है आर्च आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है. सो बेसिकली दिस इज स्टडी एरिया जिसमें नीचे ये कंप्लीट यूनिट है, फ्लोटिंग स्टडी टेबल विद ड्रॉवर. उसी के साथ ऊपर ये ओवरहेड स्टोरेज है. ओवरहेड स्टोरेज में आप देख सकते हो ये नीच दिया है. नीच के जस्ट नीचे ही प्रोफाइलर का प्रोविजन है और ऊपर आप देख सकते हो ये ओवरहेड स्टोरेज एरिया. जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो पॉप आउट कलर है उसके वजह से वो आर्च हाईलाइट हो रहा है और वो ब्लैक नॉब्स है वो कंप्लीट यूनिट को एनहांस कर रहे हैं. एंड यस, ऊपर आप देख सकते हो लॉफ्ट स्टोरेज है जो लोगों ने पूरा ग्रे, जो सटल ग्रे कलर है उसी में फिनिश किया है. स्टडी एरिया के जस्ट अपोजिट आप देख सकते हो यहाँ पे ये वार्डरोब है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ये जो नीच था वो स्टडी एरिया के लिए दिया था बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लग पॉइंट्स थे. एंड हम लोग ने यहाँ पे स्विच किया स्टडी टेबल को वहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे एक छोटा सा वार्डरोब बनाया. सो वार्डरोब इन द सेंस दिस इज़ कम्प्लीट स्टोरेज बट वो जो वहाँ पे जो भी स्विच पॉइंट्स है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने ये ओपन निश बनाया. सो उस ओपन निश में वो कैरमल कलर यूज़ करके उसको पॉप आउट किया. एंड लास्ट में ये है बेड. सो दिस इज़ 5 feet by 6 feet बेड जिसमें आप देख सकते हो पीछे पूरा आर्च पेंटेड है. जो कैरमल है उसी का हम लोग ने लाइटर शेड लिया है एंड ये शेप को यहाँ पे रेप्लिकेट किया है. एंड दिस इज़ जस्ट अ स्टोरेज बेड, उसी के साइड में ये साइड टेबल है. सो यस, दिस इज़ अबाउट द गेस्ट रूम. अब हम देखेंगे मास्टर बेडरूम. वेलकम टू द मास्टर बेडरूम. सो जैसे ही आपने देखा, जैसे मैंने एंटर किया तो ये लेफ्ट साइड में कंप्लीट वार्डरोब है. सो वार्डरोब में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने कलर कॉम्बिनेशन है वो है आइवरी एंड कैपुचिनो लिया था. सो बेसिकली ये डार्कर शेड जो कॉफ़ी कलर में है एंड दिस इज़ आइवरी कलर. सो इसी दो लैमिनेट में आप पूरा मास्टर बेडरूम देखोगे.
सो बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न है अगेन मॉडर्न स्टाइल को रेप्लिकेट करते हुए, जैसे आपने लिविंग रूम में देखा जो भी आर्च थे या फिर साइड एजेस राउंड थे, सो वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल को दो चारों तरफ से उसका कॉर्नर्स राउंड किया है। सो यस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अंदर से जो वार्डरोब है ये कुछ इस तरह से है, लाइक यहाँ पे हैंगिंग स्टफ है, बाद में ये ड्रॉवर्स जो की ड्रॉवर्स रहेंगे, एंड दिस इज़ बेसिकली ग्लास ड्रॉवर एंड नॉर्मल ड्रॉवर। सो ग्लास ड्रॉवर इज़ लाइक जो भी ईजी एक्सेस हो, मतलब दिखने के लिए प्रॉपर, एंड ऊपर जो स्पेस है वो लॉफ्ट यहाँ पे हम लोग ने सेपरेट क्रिएट नहीं किया है। जब ये शटर ओपन होंगे तो बट ऑब्वियस वो अंदर का स्पेस भी कंप्लीट यूटिलाइज हो जाएगा। सो यस, दिस इज़ वार्डरोब। नाउ यहाँ पे ये पूरा बेड आप देख सकते हो, सो दिस इज़ लाइक 6 feet by 6.5 feet बेड, विच इज़ किंग साइज बेड। उसका हेडबोर्ड भी आप देख सकते हो, ये हेडबोर्ड का हाइट है ऑलमोस्ट 4.6। सो यहाँ पे ये जो वर्टिकल टफनिंग है उसके वजह से ये जो कंप्लीट वॉल है उसका हाइट में आप देख सकते हो एक एलिवेशन मिल रहा है। एंड जो पीछे कलर है अगेन बेज शेड में हम लोग ने इसको पेंट किया है, और जस्ट टू हाईलाइट यहाँ पे पर्पल जो लाइलैक कलर रहता है तो उसी का हेडबोर्ड में कलर दिया। नाउ ये साइड ड्रेसिंग यूनिट है, सो ड्रेसिंग यूनिट में अंदर पूरा स्टोरेज है जिसका ओपनिंग कुछ इस तरह से है, और उसी के जस्ट नीचे साइड टेबल है। सो वार्डरोब के अपोजिट वॉल आप देख सकते हो, यहाँ पे विंडो के जस्ट साइड में ये नीच है, सो उसी नीच के अंदर हम लोग ने यहाँ पे स्टडी टेबल क्रिएट किया है। सो स्टडी टेबल में आप देख सकते हो नीचे दो ड्रॉवर्स है, ये फ्लोटिंग स्टडी टेबल है, उसी के ऊपर ये ओवरहेड स्टोरेज में अगेन जैसे गेस्ट बेडरूम में नीच क्रिएट किया था वैसे ही नीच यहाँ पे भी क्रिएट किया, ऊपर स्टोरेज है एंड उसके ऊपर और स्टोरेज मिल रहा था जिसको हम लोग ने लॉफ्ट कंसिडर किया है, क्योंकि इस अगर इसी को अलाइनमेंट में लेके जाते तो वो स्पेस कम यूज़ हो जाता। सो टू यूटिलाइज द कंप्लीट एरिया वी हैव क्रिएटेड लॉफ्ट ओवर देयर। एंड यस, दिस पैटर्न, अभी ये जो पैटर्न है वो बेसिकली आप यहाँ पे कलर्स देख सकते हो, जैसे कि लिविंग रूम का कलर ये, और वो पैसेज में जो हम लोग ने येलो कलर यूज़ किया है पेस्टल, देन दिस बेज कलर एंड एक एक्सेंटेड कलर जो मिंट कलर जिसको आप कह सकते हो। सो यस, ऐसे ये जो फ्रंट वॉल है उसको हम लोग ने हाईलाइट किया है, एंड वैसे ही अब हम देखेंगे वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी वॉशरूम, मतलब जो भी सिविल काम था वो ऑलरेडी हो चुका था, तो वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस स्टोरेज ओवर हियर एंड ये मिरर विद लाइट, सो बेसिकली लाइक दिस। एंड यस, दिस इज अबाउट द वॉशरूम। सो यस, दिस इज़ अबाउट द मास्टर बेडरूम। अब हम देखने वाले हैं मेन एंट्रेंस। सो अभी हम हैं मेन एंट्रेंस पे जो कि सेफ्टी डोर के बाहर। अब अपने आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सेफ्टी डोर बाद में क्यों दिखा रहे हैं। सो बेसिकली कोई भी सेफ्टी डोर का जो स्टोरी है वो बेसिकली अंदर से चालू होता है, जो अंदर का जो भी एलिमेंट्स है वो सब सेफ्टी डोर में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हम लोग मानते हैं। सो अभी आपने देखा अंदर जो भी मॉडर्न स्टाइल है, पेस्टल कलर यूज़ हुए या फिर वो चाइनीज इंस्पिरेशन हो, सो वो सब चीज़ें आपको सेफ्टी डोर में देखने मिलेंगी। सो इसीलिए हम लोग ने ये सेफ्टी डोर लास्ट में रखा था। सो यस, दिस सेफ्टी डोर इज़ बेसिकली अगेन लिविंग रूम का जो ब्लू कलर है उसी का कॉम्बिनेशन है, सो ब्लू एंड वुडन लैमिनेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ्टी डोर के जिस साइड में शू रैक बना है, सो शू रैक विथ सीटिंग। सो शू रैक के जिस साइड में आप ऐसे होल्स देख रहे होंगे, तो दिस इज़ बेसिकली फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़,
एंड ये शूरा कुछ इस तरह से है। अभी सेफ्टी डोर देखोगे, सो सेफ्टी डोर पे अगेन आप देखोगे तीन सिंबल्स हैं। सो दिस बेसिकली द चाइनीज इंस्पायर सिंबल्स, जिसमें ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, सो ऐसे इन तीनों भी सिंबल्स का मीनिंग है। अगेन उसी के जिस साइड में आप देखोगे, ये जो कट पीसेस आपको दिख रहे हैं या फिर जो पैटर्न दिख रहा है कम्प्लीटली लैमिनेट में, ये भी हम लोग ने एक चाइनीज डिज़ाइन से इंस्पायर होके लिया है। सो उसका रेफरेंस इमेज आपको साइड में देखने मिलेगा। यस, दिस इज़ बेसिकली द स्टोरी, जो भी इंस्पिरेशन है या फिर जो स्टाइल है, कलर कॉम्बिनेशन है, थीम है, उसी को आप देख सकते हो ये सेफ्टी डोर पे रेप्लिकेट किया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, कोई भी पैनलिंग नहीं किया है, कोई भी झाजी मटेरियल यूज़ नहीं किया है, जस्ट सिंपल मटेरियल जो भी अंदर लैमिनेट्स यूज़ किए हैं उन्हीं को यहाँ पर रेप्लिकेट किया है। बट देन टू आप देख सकते हो ये सेफ्टी डोर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यस, जो अंदर दिख रहा है उसी का एक रेप्लिकेशन, उसका स्टोरी आप कह सकते हो बाहर से चालू हो रहा है। सो यस, दिस इज़ अबाउट द होल प्रोजेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे करीब है ये प्रोजेक्ट, बिकॉज हम लोग ने जो भी डिटेल्स यहाँ पे किए या फिर जैसे मैंने आपको स्टाइल एक्सप्लेन किया, तो वो जो स्टाइल है वो सब यहाँ पे प्रॉपरली रेप्लिकेट होते हुए हम लोग ने देखा है। सो यस, दिस इज़ अबाउट द प्रोजेक्ट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।